हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग और उसके साथ खाने के लिए बाजरे की रोटी। ये जो कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है ना, इसमें अगर गर्मा गर्म सरसों का साग मिल जाए और उसके साथ खाने को मिले मक्की या बाजरे की रोटी, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। खूब सारा आप उसमें मक्खन या घी डाल के खाइए, आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल का बटन है आप उसको भी साथ के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। तो देखिए, ये है हमारी टेस्टी सी थाली बन के तैयार, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मूली का सलाद। बाजरे की रोटी बनाने की एक वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। बहुत आसान तरीका है बाजरे की रोटी बनाने का, इससे आपकी रोटी बिल्कुल चिपकेंगी नहीं, फटेंगी नहीं और देखिए इतनी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो आज भी मैं एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो पहले हम सरसों का साग बना लेते हैं। साग बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो साग लिया है, जिसमें सरसों, मेथी, पालक और बथुआ सभी चीज़ों को हमने मिक्स करके लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा सरसों की होती है, उसके बाद बथुआ, पालक और थोड़ी सी अगर आप मेथी डाल लेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही धो के टांग दी थी। थोड़ी देर में देखिए इनका पानी निकल जाता है, तो अब हम इनको काट लेंगे। अगर आप इन साग को, हरी सब्जियां जो हैं इनको धोने काटने के बाद धोते हैं तो फिर जो इनका हमें पौष्टिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वो सारी फिर धुल के निकल जाती है। तो आपको बिल्कुल इसको फाइन नहीं काटना है, मोटा मोटा सभी चीज़ों को इस तरह से आप काट लें, बहुत जल्दी कट जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे एकदम फ्रेश और ताज़ी ताज़ी अच्छा साग, बथुआ, पालक वगैरह सब कुछ हमें मार्केट में मिल जाता है। ये बथुआ काट के मैंने रेडी कर दिया। सभी चीज़ों को हम काट काट के अब कुकर या पतीले, जिसमें भी आपको साग बनाना है, आप उसमें डालते जाएं। बस इसी तरीके से मैं सभी चीज़ों को काट लूँगी। ये देसी सरसों हैं, देखिए छोटे छोटे पत्ते हैं इसके। दो तरह की सरसों मिलती है मार्केट में, एक थोड़ी सी चौड़े पत्ते वाली मिलती है और एक ये देसी वाली, जिसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं। और घर में जब हम काट के साग बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया बनता है। सारी हम इसकी गंदगी भी देखिए निकाल के साफ़ कर देते हैं, उसके बाद इसको पहले हम धोते हैं उसके बाद काटते हैं, तो जो भी पौष्टिकता है वो हमें पूरी मिल जाती है इन ग्रीन वेजिटेबल्स की। तो सरसों भी पूरी कट गई है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ पतीले में। और इसी तरीके से आप बथुआ और मेथी भी काट लेंगे। मेथी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, आप एक मुट्ठी भर मेथी ले लें, उससे फ्लेवर बढ़िया आ जाएगा। अगर ज़्यादा मेथी डाल देंगे तो हो सकता है जो आपका साग आप बना रहे हो उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाए। यह है पालक। पालक को आप चाहें तो इस तरह से बिना काटे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा कच्चा होता है और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट भी हो जाता है, पक बहुत जल्दी जाता है पालक। सारी सब्जियों को मैंने काट के कुकर में डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें आपको बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इन सभी सब्जियों में बहुत सारा अपना ही पानी होता है जिससे ये अच्छे से पक जाती हैं। तो अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। और यहाँ पे आप सभी के लिए फ्रेंड्स एक टिप्स है मेरी तरफ से, देखिए मैंने इसमें कुछ लहसुन बिना छिला डाल दिया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सारी सब्जियाँ उबलेंगी तो इनके साथ के साथ ये लहसुन भी उबल जाएगा और पत्तों का एक तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, जो लहसुन के छिलके होते हैं ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा साग में। और बाद में इसको आप आराम से छील के निकाल सकते हैं, ये देखिए। तो जब भी आप पालक, बथुआ, मेथी कुछ भी उबाल रहे हैं तो इस तरह से आप उसमें लहसुन डाल के साथ उबाल सकते हैं, बहुत ईजिली फिर आपका लहसुन छिल जाएगा, आपको अलग से उसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी थी। एक सीटी आने तक मैंने पकाया है बस, और देखिए सब्जियां सारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इस तरह से एक मैसर लेंगे और साग को घोट लेंगे। अगर आपके साग में ज़्यादा पानी हो गया है तो आप उसको थोड़ा सा पहले ही निकाल लें, जिससे आपको घोटने में आसानी रहेगी, क्योंकि अगर साग में पानी ज़्यादा रहा तो फिर कई बार इसको घोटने में दिक्कत हो जाती है, वो घुल नहीं पाता अच्छे से। वो जो आप पानी निकालें उसको आप बाद में साग में ऐड कर सकते हैं या फिर आटा वगैरह गूंथने में यूज कर सकते हैं। ये कितने बढ़िया से घुट रहा है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं सारी सब्जियाँ। बस इसी तरह से थोड़ी देर इसको आप चलाते रहें। लहसुन, मिर्च और
साग चीजें एक जगह घुट जाएंगी और साग की तो बहुत साग। तो अब आप सभी के लिए एक दूसरी टिप्स, अब मैं लूंगी एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी ये, और अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच भर के बाजरे का आटा और 1.5 चम्मच जितना मैं इसमें डाल दूंगी मकई का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं, या फिर आप बाजरे के आटे की 1 चम्मच और बढ़ा दीजिए। और अब इसको हम लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे आटे को। ये एक सीक्रेट टिप्स है आपके लिए, अगर आप ऐसे करके आटे को भून के साग के अंदर मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आपको फील नहीं होगा। तो लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक मैंने आटे को भून लिया है, इसमें से खुशबू आने लग गई है भुनी हुई। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसको लगातार चलाते हुए आपको भूनना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है ताकि जो हमारा आटा है ये बिल्कुल भी जले नहीं और आटा हमारा कच्चा भी ना रहे, अच्छे से ये सिक जाए। तो अब गैस मैंने यहाँ से बंद कर दी है और साग को भी मैंने बहुत बढ़िया से देखिए घोट लिया है, कैसे घुल गई हैं सभी चीज़ें एक दूसरे में। अब जो हमने आटा भून के रखा था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे और ये एक छोटा सा काम करने से ही फ्रेंड्स इतना बढ़िया आपका साग बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपका आटा जो आपने लिया है वो कच्चा ना रह जाए या साग में से आपको थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा फ्लेवर ना आए, क्योंकि आटे तो हमने भून के डाले हैं। इसको बढ़िया से हम घोट लेंगे और स्वाद के अनुसार अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल नमक नहीं डाला था। आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे को ताकि उसमें बिल्कुल भी कोई गुठली उठली ना बने और ये साग के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए। ये जो हमने आटा डाला है ये क्या करेगा, हमारे साग को थिकनेस देगा। कई बार होता है ना साग बनाने के बाद वो थोड़ा सा पानी वानी सा छोड़ने लग जाता है, तो अब वो नहीं होगा बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया देखिए साग घुट के तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया से बन भी गया है ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह का साग जब हम बाहर खाने जाते हैं तो हमें मिलता है, देखिए वैसी कंसिस्टेंसी आई है जैसी ढाबे वगैरह में आती है। और कितना बढ़िया घुटा हुआ है देखिए, कई लोग ना साग को मिक्सी में घोट लेते हैं और फिर वो बिल्कुल मेहंदी जैसा बारीक हो जाता है, उसको खाने में मज़ा नहीं आता है। इस तरह से अगर हम हाथ से घोट के साग को बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, कितना बढ़िया साग का कलर भी आया हुआ है। अब इसके लिए हम फटाफट से एक तड़का बना के तैयार करेंगे। तो आज हम ये ढाबा स्टाइल बना रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल ढाबे की तरह ही हम खूब सारा घी लेंगे, घी की जगह आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और घी देखिए पूरा मेल्ट हो गया, इसमें मैंने डाल दी है 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें डालेंगे ये कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है मैंने, इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग में। 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा काट के लिया है और 2 चुटकी ये डाल दिया है हींग। हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है साग में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब सभी चीज़ों को हल्का सा गोल्डन होने तक हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। देखिए प्याज ब्राउन हो गई, अब इसमें 2 टमाटर जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट के लिया है ये डाल देंगे। थोड़े से यहाँ पे हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, तो स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। नमक हमने साग में भी डाला हुआ है तो आप थोड़ा सा देख के डाल लें। 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर साग भी बनके रेडी है और तड़का भी हमारा तैयार हो गया है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम साग को तड़के में ऐड कर देंगे। तड़का बनके तैयार हो गया है, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए, बहुत बढ़िया से दब रहे हैं देखिए।
और घी पूरा ऊपर आ गया है तड़के से। अब जो हमने साग घोट के रखा हुआ है वो तड़के के अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में साग बना रहे हैं 2-3 टाइम खाने के लिए, तो आप उसको साथ के साथ छोंक के खाइए। अगर साथ के साथ इसमें तड़का लगता है तो फिर ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो सारा साग मैंने देखिए अच्छे से डाल दिया है, और कुकर को धो के थोड़े से पानी से वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब साग को हम तड़के में करेंगे अच्छे से मिक्स। देसी घी, लहसुन, सभी चीज़ों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। और इसको तो देख के ही आपका ज़रूर खाने का मन हो रहा होगा, तो फटाफट से बना लीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साग बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। और साग कढ़ी वगैरह के लिए तो ऐसे भी कहा जाता है कि जितनी ये बासी होती हैं उतनी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप 2-3 टाइम के लिए भी इसको बना सकते हैं। अब हम करेंगे साग को सर्व। सर्व करने से पहले आप साग में घी या बटर ज़रूर डालिए। मैं ये घी डाल रही हूँ, और घी डालने में आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप खाते हैं तो अच्छे से घी डाल के खाइए। तो साग तो रेडी हो गया, अब हम फटाफट से इसके साथ खाने के लिए बाजरे की रोटी बना लेते हैं। बाजरे का आटा बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी ले लिया है बाजरे का आटा, और इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बाजरे की रोटी में। और जब भी आपको बाजरे की या मक्के की रोटी बनानी हो, आप हमेशा गर्म पानी का यूज करें। इससे क्या होता है, ये आटे जो हैं बाजरा और मक्के के, ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, और अगर आप इसको गर्म पानी से गूँथेंगे तो ये जल्दी से फूल के तैयार हो जाएंगे, और फिर जो आपकी रोटियां हैं वो बिल्कुल फटेंगी नहीं, एकदम सॉफ्ट मुलायम रोटी बन के तैयार होंगी। तो ये एक टिप्स है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और आटे को चिकना होने तक गूँथना है। थोड़ा सा ऊपर से देखिए मैं घी लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाए, हाथों पे भी ना चिपके। और बहुत ज़्यादा इसको आपको टाइट नहीं करना है, क्योंकि रखा रखा भी थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में आटा हमारा फूल के टाइट हो जाता है, जैसे सूजी वगैरह हो जाती है ना उसी तरह से। तो शुरू में आप इसको थोड़ा सा नरम ही रखिए। 10 मिनट के लिए मैंने आटे को देखिए रख दिया था, और ये बहुत बढ़िया से फूल गया है। अब हम एक लोई लेंगे, और चकले को हल्का सा हमें सूखे आटे से डस्ट कर लेना है। आपको इस पे घी, तेल या फिर पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से हाथ की सहायता से इसको हम बढ़ाते जाएंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चकले पे आपको सूखा आटा ज़रूर डालना है, और जहाँ पे भी लगे कि आपकी रोटी बढ़ नहीं रही है, घूम नहीं रही है, वहाँ पे आप थोड़ा सा फिर से सूखा आटा डाल लें। अगर ये इस तरह से आप घुमाते जाएंगे तो अपने आप ये बड़ी होती जाएगी। देखिए कितनी गोल गोल पतली सी कितनी अच्छी रोटी बन गई। और ये रोटियां एकदम फूली फूली बनती हैं, अभी आपको दिखा देती हूँ मैं, देखिए कितनी बढ़िया फूल जाएगी रोटी। देखिए गैस पर रखते ही रोटी कितनी बढ़िया फूल गई है। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी आप ये रोटी आराम से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कुछ एक बातों को ध्यान में रखना है, जब भी आप मकई का या बाजरे की रोटी बनाएं, आप हमेशा आटे को एक तो गर्म पानी से गूँथें, उसके बाद आटे को आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं करना है, और इस तरह से चकले पे सूखा आटा लगाते हुए आप इसको बढ़ाते जाएं। अगर आपकी रोटी चिपक रही है, नहीं बढ़ रही है, तो आप दोबारा से उस पर आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, लेकिन पानी या फिर घी तेल वगैरह आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। और इस तरह से आप जितनी बड़ी चाहें, पतली मोटी जैसी चाहें रोटी बना सकते हैं, एक भी रोटी आपकी नहीं टूटेगी। एक दो में हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 1-2 रोटी में दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद सारी रोटी आपकी अच्छी अच्छी बन के तैयार होंगी। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है बाजरे और मकई की रोटी बनाने का। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन रही है, और ये भी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कितनी बढ़िया अभी फूल जाएगी। ये देखिए सारी रोटी इतनी फूली फूली बन के तैयार हुई हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये रोटी नरम भी बनती हैं, अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा करारा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के बुजुर्ग या बच्चे हैं तो आप उनको इस तरह से नरम नरम रोटी भी बना के खिला सकते हैं। तो सर्दियों का टाइम है, मक्का, बाजरा, सरसों सभी कुछ तासीर में भी गर्म होते हैं, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें,
और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रोटी भी हमारी बन गई है, साग हमने पहले ही बना लिया था। आप इनको गर्मा गर्म खाइए, तभी आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और परिवार में सभी को गरम गरम ही खिलाइए, तो देखिए सब कैसे आपकी तारीफ़ करते हैं। तो ये है आज की थाली, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मूली का सलाद। आई होप आपको पसंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मैं आप सबसे मिलूँगी एक और नई टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स को गुड बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें।